हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 7 त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज के इसी चैप्टर से हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको हल करना एकदम से आसानी से सीखना है तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए बेसिक चीज़। ठीक है, इसका बेसिक नियम क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ओ बी, और यहाँ पर आपका दिया है कि सर्वांगसम है बी ओ सी के, और यहाँ पर ए डी समांतर है बी सी के। तो ये चीज़ें कैसे हम सिद्ध करेंगे, कैसे इस चीज़ को दर्शाएंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक नियम। ठीक है, वो नियम क्या है पहले जानते हैं, उसके बाद से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नियम को देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सर्वांगसम आखिर में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई भी दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु चाहे जो भी है और वो दोनों एकदम से इक्वल हैं, एकदम से बराबर हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये इतना बड़ा, ठीक है, इसका कोई माप नहीं, बस हम रैंडमली ऐसे बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है ये हमारा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, लेकिन मानना है कि ये दोनों क्या है, एकदम से बराबर है। ठीक, अब जब ये दोनों, मतलब कि ये वाला भुजा इसके भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, साथ ही साथ ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तब हम इस कंडीशन में कहेंगे कि ये जो त्रिभुज आपका ए है, ठीक है, ये त्रिभुज बी के सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम का सिंबल इस तरीके से होता है, बराबर का लगा के ये इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंबल है सर्वांगसम का। ठीक, तो इसमें क्या होता है, और हाँ, ये वाला जो भुजा है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब कहेंगे कि संगत भुजा है। ठीक है, संगत यही होता है, ये वाला दोनों क्या है, संगत है। ये कोण और ये ऊपर का कोण, ये कहेंगे संगत कोण है, इसको कहेंगे संगत भुजा है। अब ये वाला और ये वाला क्या है, संगत भुजा है। ये उसी तरीके से ये और ये संगत भुजा है। क्लियर हो गया कि सर्वांगसम किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जैसे कि आ जाता है, मान लीजिए ये इस तरीके का कोई आ जाता है, एक उदाहरण ये इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला कोण तो इसका अंदर वाला जितना भी होगा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ये तो कोण तो बराबर है, लेकिन इसका भुजा क्या है, छोटा है। ठीक, तो भुजा क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आते हैं मेन चीज़ पर, कि जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने वैसे ही आपको बता दिया, ठीक है, कि ये सभी कोण बराबर हैं तो इसलिए सर्वांगसम है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछ देता है, ये इस तरीके का क्वेश्चन जो कि अभी हमने नोट किया था, ये इस तरीके का, ठीक है, कह देता है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ठीक, इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें यहाँ भी, तो कहता है कि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के एकदम से बराबर है, ये वाला भुजा ये भुजा एक दूसरे के एकदम से बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे आप कैसे कि ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसके बताने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं, जिसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, तो वही वाला नियम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला नियम समझिए, कहता है पहला नियम कि अगर इस तरीके का कोई दो त्रिभुज बना हो, ठीक है, दो त्रिभुज बना हो, चाहे जैसे बना हो, बस दो त्रिभुज बना होना चाहिए। ठीक है, ये पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। तो नियम कहता है कि इसका मान लीजिए ये वाला भुजा इसके इस संगत भुजा के बराबर है, ठीक, और ये वाला भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारा नियम कहता है कि ये दोनों हम कहेंगे कि सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि ये वाला क्या है, ये भुजा, ये भी भुजा है, दो भुजा है ना, इसमें ये भुजा और ये भुजा, दो त्रिभुज के दो भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम इसमें कहेंगे क्या कि भुजा को हम कहते हैं साइड। ठीक है, तो साइड, साइड दो साइड है ना, दोनों में दो दो साइड है ना, तो हम लिखेंगे इस तरीके से, यस ए के एक कोण, मतलब कि एंगल बराबर है, तो यस ए, यस
ये कौन सा नियम होगा? यस ए यस नियम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो भुजा और एक कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या है, आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये भी इसका नियम है, ठीक है। इसी को कहेंगे यस ए यस सर्वांगसमता का नियम। ये चीज क्लियर हो गया, पहला हो गया। अब एक और आप समझ लीजिए, ठीक है। एक और आपको, अगर मान लीजिए दो त्रिभुज किसी भी तरीके से बन रहा है, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है किसी भी तरीके से बने, और उसका ये वाला कोण, ठीक है, और ये कोण, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि यही वाला कोण होगा, मान लीजिए और ये कोण और ये कोण, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका ये कोण और इस दूसरे त्रिभुज का ये कोण बराबर है, और ये कोण और ये कोण, ये भी आपका बराबर है, ठीक। और साथ ही साथ एक कोई एक भुजा, मान लीजिए ये आपका है 4 सेमी, ठीक, और इधर आपका ये है 4 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, कहता है कि कोई भी दो संगत कोण, संगत कोण मतलब इसमें ये वाला है, इसमें ये, इसमें ये और इसमें ये, कोई भी दो संगत कोण और एक भुजा अगर आपस में बराबर है, तो ये आपका त्रिभुज क्या होगा, दोनों सर्वांगसम होगा, ठीक है। इसका इसको किस चीज़ से दर्शाएंगे, तो दो कोण है ना, तो ए और ए, और एक साइड है, तो जो अकेला होता है उसको हम बीच में रखते हैं, एक साइड है, ठीक है। तो कहेंगे ए एस ए सर्वांगसमता का नियम, सर्वांगसमता का नियम, ठीक है। तो ये नियम आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है क्या, जो कि आपने इस जो आपका चैप्टर 6 है रेखाएं और कोण, इसमें ये सारा चीज़ हमने डिटेल में बता दिया, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण देखने पर नहीं समझ में आ रहा कि कौन है, तो जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो को बस सिंपल देख लीजिएगा, ठीक है। सारा चीज़ एकदम से हमने समझा दिया है, एकदम से डीपली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए शीर्षाभिमुख कोण ये होता है, ये होता है, एकांतर कोण आपका ये होगा, ये होगा, कैसे होगा ये आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थंबनेल वाला वीडियो एकदम से देख लीजिएगा। चलिए अब आइए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। तो पहला आपको स्टेप लिखना है कि दिया है, ठीक। दिया है में क्या क्या दिया है कि कह रहा है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है, भुजा ओ ए ओ बी के बराबर है, कहाँ पर है, तो देखिए ओ ए ये वाला भुजा, ये भुजा ओ बी इसके बराबर है, ठीक। तो लिख लेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी, और ओ डी ओ सी के बराबर है, कहाँ पर है, ओ डी ये वाला इसके बराबर है, तो ओ डी बराबर है ओ सी है, ठीक। इतना आपको लिख देना है, कहानी ख़त्म, दिया है वाला मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद से ये वाला दर्शाइए कि कह रहा है ना, तो दर्शाइए कि दर्शाइए या फिर आपका ये ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है। इस पर भी आपका दो स्टेप है, मतलब कि दो नंबर आपका फ्री का मिल जाएगा अगर लिखते हैं तो। तो पहला ज्ञात करना है हमें कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के, और दूसरा हमें ज्ञात करना है कि ए डी जो भुजा है वो समांतर है बी सी भुजा के, ठीक है, ये वाला भुजा इसके समांतर है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से तीसरा हेडिंग आपको डालना है प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। तो प्रमाण में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि ओ ए बराबर ओ बी है, तो आप लिख लेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी, ब्रैकेट में लिख देंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है ऑलरेडी हमने लिख दिया। उसके बाद से ओ डी बराबर ओ सी है, ओ डी बराबर ओ सी है, ये भी आपका दिया है, तो हमने लिख दिया दिया है, सिंपल, कुछ भी हमने नहीं किया है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर कोई इस तरीके से दो रेखाएं हो, ठीक है, और तिर्यक रेखा इस तरीके से दोनों क्या है आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो नियम क्या कहता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, जितने डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये कोण होगा,
और जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये कोण होगा, ठीक है। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण ये वाला कहता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये वाला इतना दिया है तथा तथा लिखेंगे कि सी ओ बी, मतलब कि ये वाला कोण, कोण सी ओ बी बराबर है ए ओ डी के, ठीक है, कोण ए ओ डी के, ठीक। ये वाला कोण इसके बराबर है, कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर लिख देंगे, रीजन बताना पड़ेगा कैसे ये वाला दोनों बराबर है, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप बताइए कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या फिर नहीं है। तो आप कहेंगे सर्वांगसम है, कैसे, क्योंकि हमने नियम बताया था कि दो त्रिभुज दो भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ओ ए, ठीक है, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक, ये वाला दोनों त्रिभुज हैं, इसका ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और एक एक कोण आपका क्या है, बराबर है। तो हमने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए कि जब दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो तो ये यस ए यस सर्वांग समता के नियम से क्या होता है, आपस में दोनों सर्वांगसम है, ठीक। तो यही चीज़, इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, तो अब देखिए, इसलिए यहाँ इसलिए का सिंबल लगा देंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। अब इसके बाद से रीजन भी देना पड़ेगा इसको कि कैसे ये चीज़ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एस ए यस सर्वांग क्षमता नियम से, ठीक है। तो पहला चीज़ हमारा क्लियर हो गया, ये वाला, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या कह रहा है कि ए डी समांतर है बी सी, मतलब कि ये वाला भुजा इसके समांतर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो इसमें एक चीज़ समझिए, कभी भी जब इस तरीके का, मान लीजिए यहाँ पर समझिए, कभी भी जब दो रेखा खींचा हो और इस पर अगर एक तिर्यक रेखा आ जाए, ठीक है, तिर्यक रेखा खींच दिया जाए और उसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है। अब ये वाला चीज़ क्या है कि आपके जो रेखा और कोण है, मतलब कि पिछला चैप्टर 6 उसमें ये सारा चीज़ दिया हुआ था, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया भी था, तो वो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसमें पहला तो हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब दूसरा वाला इसको कैसे कर देंगे, तो इसको सिंपल आपको लिखना है सेकेंड वाला में, ठीक है, क्या है कि ए डी समांतर है बी सी, ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो अब इसमें एक चीज़ आपको लिखिए कि यहाँ पर ये वाला क्या है कि ए ओ डी और सर्वांगसम है बी ओ सी के, मतलब कि ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, इसके सर्वांगसम है कि मतलब क्या हुआ कि ये सभी भुजाएं, जैसे इस त्रिभुज का तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के एकदम से बराबर है और इसके तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्टेप और लिख देना है, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है, इसलिए कोण सी बी ओ, मतलब कि ये वाला कोण, ठीक है, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, जैसे इस कोण को हमें लेना है तो सी बी ओ, इसको बीच में ले लेंगे, ठीक है, सी बी ओ बराबर होगा दूसरे में ओ ए डी के, मतलब कि इसका कोण ओ ए डी के, ठीक है। तो ये वाला कैसे, एकांतर कोण, ठीक है।
तो अब लिख देंगे कि अतः ए डी समांतर है बी सी। कैसे समांतर है तो इसको लिख देंगे एकांतर कोण का एकांतर कोण नियम से। ठीक है, अब देखिए एकांतर कोण नियम क्या होता है, अगर कोई भी इस तरीके से दो रेखा खींचा हुआ उस पर एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाए और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों जो रेखाएँ होती हैं ये आपस में समांतर होती हैं। ये वाला चीज़ आपके ओल्ड वाले बुक में ये टोटल एकदम से विस्तार रूप से दे रखा है। ठीक है, अगर नया वाला पढ़ते हैं तो उसमें क्या किया हटा दिया है। ठीक है, तो किसी के पास अगर ओल्ड वाला बुक है तो वहाँ पर आप जा कर के ये वाला चीज़ नियम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए इसको कर देते हैं, लिख देंगे एकांतर कोण नियम से, एकांतर कोण नियम से। ठीक है, बस सिंपल आपका ये आंसर हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, तो ए बी रेखाखंड का मतलब क्या है कि कोई एक रेखा है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी रेखा हो सकता है, तो ये हमारा रेखा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक, और उसके बाद से कह रहे हैं इसमें देखिए फिगर बनाना था इसलिए बना रहे हैं। ठीक है, तो रेखाखंड ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब ये होता है एकदम से सीधा सीधा कोई रेखा है, ठीक है, जो कि इसका इस कह रहा है ना कि इसका लंब समद्विभाजक मतलब कि इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो चलिए एक लंब इस तरीके से खींच देते हैं इस पर, ये लंब समद्विभाजक हो गया जो कि इसको ए बी को एकदम से दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है तो इसको भी कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इसका जो नाम है यल है। ठीक है, यल जो है ये आपका लंब, ये इन दोनों को बांट रहा है, इसका नाम है यल। अब क्या कह रहा है कि यदि यल पर स्थित पी कोई बिंदु है, इसी यल पर कोई बिंदु पी स्थित है, तो यहाँ पर एक पी ले लेते हैं, तो चलिए पी हो गया। ठीक है, यहाँ पर पी बिंदु हो गया, पी बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदु से ए बी समदूरस्थ है। कह रहे हैं कि बिंदु पी से जो ए की दूरी है और पी से जो बी की दूरी है ये दोनों आपस में एकदम से बराबर है, मतलब कि ये दूरी और ये दूरी। ठीक है, ये दूरी दोनों आपस में बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है हल, फिर डालना है पहला काम कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, इसमें लंब है तो मतलब कि ये आपका 90 डिग्री का हुआ, ये भी आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ 90 डिग्री का, तो लिख देंगे तथा कोण ए सी पी, ए सी पी बराबर होगा कोण सी पी सी बी के, मतलब कि ये वाला कोण बराबर कोण कितना पी सी बी, पी सी बी ये दोनों कितने कितने डिग्री का है, लंब अगर खींचा गया है मतलब कि 90 डिग्री का इधर 90 डिग्री का इधर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद से क्या है कि ए सी और बी सी ये दोनों क्या है बराबर हैं, तो लिख देंगे और ए सी बराबर बी सी। ठीक, तो ये वाला कैसे है क्योंकि ये जो ये जो लंब है, ठीक है, ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि सी ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, या फिर आपके बुक में लिखा है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आप मध्य बिंदु लिख दीजिए जो और छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ए सी और बी सी क्या है बराबर है, ये वाला दोनों आपस में बराबर है, तो ये वाला चीज़ आपको लिखना होगा तो लिख दीजिए, या अगर नहीं लिखना है तो फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना
है। क्या ज्ञात करना है कि पी ए बराबर है पी बी, पी ए बराबर पी बी, पी बी, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब अगला हेडिंग डाल लेंगे प्रमाण, प्रमाण में। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या मालूम है वो चीज़ हमें लिखना पड़ेगा कि इसमें देखिए दो त्रिभुज बना है ना, ये वाला एक ये त्रिभुज और एक हमारा ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, ए सी भुजा ए सी बराबर बी सी है, दिया है, दिया है। ठीक है, और उसके बाद से फिर कि पी सी, अब देखिए इस वाले अगर त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो यही वाला एक रेखा एक भुजा है, और इस वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे तो यही वाला एक भुजा है। तो लिख देंगे कि पी सी बराबर पी सी, और लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन है, दोनों चीज़ में कॉमन है। ठीक है, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये चीज़ मिल गया। अब उसके बाद से लिख देंगे कि कोण ए सी पी, या फिर ए सी पी बराबर है कोण पी सी बी, पी सी बी, ये क्या है, दिया है, दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि इसमें ये वाला भुजा किसके बराबर है, इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, और एक जो ये वाला जो भुजा है ये दोनों में क्या है, एक ही भुजा है। ठीक है, मतलब कि ये भुजा क्या है, दोनों में बराबर ही है। एक कोण हमें मिल गया दोनों में, इधर 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए या नहीं अतः लिख सकते हैं। ठीक है, अतः त्रिभुज, त्रिभुज पी ए सी, देखिए पी ए सी, पी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी सी बी के, पी सी बी के, कैसे सर्वांगसम है, तो यस ए यस सर्वांगक्षमता नियम से, सर्वांग क्षमता से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमें इसमें क्या बताना था कि P से A और B दोनों क्या है, बराबर है, ये वाला दोनों बराबर है। अब आप एक चीज़ बताइए कि जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो, सर्वांगसम हो, तो क्या उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं या फिर नहीं होती हैं, तो आप कहेंगे कि सभी के सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब कि ये भुजा जितने का होगा उतना ही ये होगा, ये जितने का होगा उतना ही सेंटीमीटर का ये होगा, और ये तो मान लीजिए बराबर ही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसलिए ये क्या है, पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी पी सी बी के बराबर है। ठीक है, मतलब कि सर्वांगसम है, इसलिए हम लिख देंगे कि पी ए बराबर होगा पी बी। ठीक है, बस यही सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि रेखाखंड ए बी ए का अन्य रेखाखंड सी डी के समांतर है। तो देखिए ये वाला रेखा इसके समांतर है, इसमें कह रहा है ना, उसके बाद से कह रहा है कि ओ, ठीक है, ओ रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है। तो ये कह रहा है कि ये जो ओ है, ये वाला जो बिंदु है, इस ए डी का मध्य बिंदु, मतलब कि ये यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों क्या है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि दर्शाइए कि ए ओ बी कहाँ पर है। देखें ए ओ बी मतलब कि ये वाला त्रिभुज यहाँ पर क्या है, सर्वांगसम है डी ओ सी के, तो डी ओ सी के, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। दूसरा कह रहा है कि जो ओ है, ओ बिंदु रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब कि ओ बिंदु जो है वो बी सी को भी दो भागों मतलब कि समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो रेखा है, क्या इस रेखा के बीचों बीच है ये वाला ओ, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले
कि इसमें से आपको छांट छांट के सबसे पहले तो लिख लेना है, क्या है कि ए बी, ए बी और सी डी के समांतर हैं, तो लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये वाला क्या है, बीचों बीच है ना, मतलब कि ए ओ बराबर है ओ डी, ए ओ बराबर ओ डी है, ठीक। जो जो चीज़ दिया है वही चीज़ हम दे इसमें लिख रहे हैं, और उसके बाद से और कुछ दे रहा है, और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के, ठीक है। और ये पहला चीज़ ज्ञात करना है। दूसरा चीज़ हमें क्या ज्ञात करना है कि ओ रेखा खंड बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। अब इसके बाद से लिखना है प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। तो अब इसमें कैसे हल करेंगे समझिए। सबसे पहले तो ये वाला और ये वाला, इस दो त्रिभुज बना है ना, यहाँ पर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में से ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो लिख देंगे कि ए ओ बराबर है ओ डी या फिर डी ओ, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर है, ठीक है। ये चीज़ दिया है, यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि ये वाला रेखा इस रेखा के क्या समांतर है, ठीक है। तो इसलिए एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। ये आपको हमने रेखाएं और कोण में ये नियम बता रखा था, तो लिख देंगे कि कोण सी डी ओ, सी डी ओ बराबर है कोण ओ ए बी के, ओ ए बी कैसे बराबर है, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से एक चीज़ और कि इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये भी कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण सी ए मतलब कि डी सी ओ, डी सी ओ बराबर है कोण ओ बी ए के, ओ बी एक है, ये भी कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। और उसमें एक चीज़ और है, अब इसके बाद से देखिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ और कि आप ये वाला कोण और ये वाला कोण ले लेते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से ये वाला शीर्षाभिमुख कोण भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ये वाला, ये और ये छोड़ सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ले लीजिए, ठीक है। कोई दो कोण लेना है क्या, और तीसरा यहाँ पर भुजा हमें क्या है, भुजा दो, इस दोनों त्रिभुज का एक एक भुजा बराबर ही है, और दो कोण क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला बराबर है, ये कोण बराबर है, चाहे तो आप ये कोण भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें दो ही चीज़ लेना होता है, या तो आप दो कोण कहीं से देखिए बराबर हो रहा है, और एक भुजा बराबर हो जाए, तो हमें मिल जा रहा है ये वाला, ठीक है। हमने क्या किया, इसको और इसको ले लिया, इसको और इसको ले लिया, ठीक। आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कोण आपस में बराबर मिल गए, और दो एक भुजा आपस में बराबर मिल गया, ठीक है। तो हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर ज्ञात करना था ना कि ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के, ठीक है। कैसे, ए एस ए नियम से, नियम से, ठीक है। सर्वांगसमता के नियम से भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि कभी भी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, तो उसके संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में एकदम से बराबर होती हैं, ठीक है। अब जैसे इसका संगत भुजा ये है, तो इसका संगत भुजा ये होगा, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे दूसरा वाला, दूसरा क्या पूछ रहा था कि ओ रेखा खंड
बीसी का मध्य बिंदु है, यही पूछ रहा था ना दूसरा, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ सी के, इसलिए ओ सी बराबर है ओ बी। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं।